एचआर नंबर गाड़ी, यूके नंबर गाड़ी, उस साइड आपको मिलेगी यूपी नंबर, और यहाँ पर ये भी अपने एचआर नंबर। तो देख लो भाई, अपना ऑल ओवर इंडिया अपना फिर से यूनाइट कर दिया है हमने। और अगर भाई जैसे फ्रॉन्क्स वाला हो तो वीडियो देख रहा हो, वो आपका काम देख के यहाँ पर आ सकता है ऐसा सेम काम करवाने के लिए? बिल्कुल आ सकता है। इवन मेरे से कोई रेफरेंस मांगेगा तो मैं तो हमेशा ऑटो वुड को ही रेफरेंस दूंगा। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ, ਚੁੱਟੜਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ। दोस्तों स्वागत है सबका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज आपके लिए फिर से मैं लेकर आ गया हूँ फ्रॉन्क्स की मॉडिफिकेशन। आपके सामने खड़ी है भाई फ्रॉन्क्स सिग्मा, सीएनजी में रहने वाली है। इस साइड भी हमारे पास है फ्रॉन्क्स सिग्मा, ये भी सीएनजी में रहने वाली है, लेकिन हमारे पास पेट्रोल भी है और साथ में डीजल तो मारुति दे नहीं रही है आजकल, तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों गाड़ियाँ अपने पास अवेलेबल है। आज मॉडिफिकेशन के लिए आई हुई है एट ऑटो हुड इन करोल बाग। आज फिर से आपको दिखाने वाले बेस टू टॉप वाला काम, जिसमें अपनी बेस मॉडल लेकर आप टॉप मॉडल में कन्वर्ट करवा सकते हैं और बाहर से पूरा मतलब ऐसा काम कर देते हैं बिल्कुल जैसे कंपनी का भी काम जो है फेल हो जाता है, उसका क्या फीका पड़ जाता है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपने पास आज गाड़ी है UK 07, देहरादून से गाड़ी आई है, स्पेशली दिल्ली में आई है, नई दिल्ली करोल बाग। और यहाँ पर देख लो, इस गाड़ी का नंबर भी आपको मैं दिखाया था एक बारी, HR नंबर गाड़ी है ये जी। मतलब आगे जो गाड़ी खड़ी है वो भी यूपी से आई है, UP 16 से, नोएडा से। भाई अपने पास देख लो कहाँ कहाँ से कस्टमर्स जुड़ रहे हैं आज। तो अपना सबसे पहले तो गाड़ी गिनवा दो, कितनी गाड़ी है, 1, 2, 3, चौथी आगे खड़ी है यूपी वाली, और एक दो गाड़ी अभी फ्री हो चुकी है अपनी जिसमें काम हमने कंप्लीट कर दिया है। इन टोटल 5 से 6 गाड़ी अपने पास आज थी, और जिसमें से 4 तो आपको सामने दिख रही है, बाकी अपनी 2 गाड़ियां होके जा चुकी हैं। चलिए भाई आपको दिखाते हैं एक एक करके कौन सी स्टेट के लोग कैसा काम करवाना पसंद करते हैं अपनी गाड़ियों में, किस टाइप का इंटीरियर, किस टाइप की मॉडिफिकेशन और किस टाइप का खर्चा जो है प्रेफर करते हैं करना। एक बार ही दिखाते हैं आपको किस किस गाड़ी में क्या काम आज हो रहा है। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जय श्री राम। तो जेन्युइन डब्बे से अपनी निकल गया भाई DRL, इसमें देखो DRL लगने वाली है, बिल्कुल ओरिजिनल रहता है अपना सारा सीन जो है, जितना सामान है ओरिजिनल लगता है। तो यहाँ पर देखो DRL की फिटिंग अभी इसमें करने वाले हैं अभी हम लोग, और साथ में आपको नीचे भी देखो हेडलाइट भी लग रही है भाई इसमें, टॉप मॉडल वाली, क्या बात है भाई, इसमें हेडलाइट भी हम लगा रहे हैं। तो आज जुड़े आना भाई, क्योंकि कंटेंट जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल देने वाला हूँ आज आप लोगों को साथ ही साथ, और आपको वैरायटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर देख लो HR नंबर गाड़ी, UK नंबर गाड़ी, उस साइड आपको मिलेगी यूपी नंबर, और यहाँ पर ये भी अपने HR नंबर। तो देख लो भाई अपना ऑल ओवर इंडिया अपना फिर से यूनाइट कर दिया है हमने, अपना 50% इंडिया हमारे पास फिर से अवेलेबल है एट द मोमेंट। बाकी आपको दिखाते हैं भाई साथ साथ क्या क्या काम इसमें हम करने वाले हैं। तो DRL की फिटिंग भाई स्टार्ट कर दो इसमें। अपनी गाड़ी आई हुई है UP 16 से, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा अपने भाई आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? सुशांत। कहाँ से आए हो आप? नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से? नहीं, नोएडा ओनली। नोएडा, अच्छा। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, कितने किलोमीटर होगा यहाँ पर पहुँचना? 31 किलोमीटर होगा। ठीक है, और पहुँचे कैसे यहाँ पर? मैं YouTube के थ्रू। ठीक है, अच्छा आपने जो भी वीडियोस देखी है हमारी या फिर ऑटो हुड की, तो उन्हीं वीडियोस में जो काम दिखाया गया था वही काम आपको प्रोवाइड हुआ? वही काम प्रोवाइड हुआ, वही रीजनेबल पैसे लगाए गए, और सबसे अच्छी बात सुधीर भाई का नेचर बहुत बढ़िया था। भैया का भी नेचर बहुत अच्छा है, शांत स्वभाव के थे भैया। काम भैया ने कहा हमें एक लिमिट दे दी थी, उस काम में लिमिट करके आप काम करते रहे, लेकिन ये था थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया भैया का, लेकिन हाँ काम तसल्ली बख्श करके दिया भैया को। भाई आप कितने बजे आए थे यहाँ पर, कितने बजे पहुँच गए थे? 11:30 बजे तक आ गया था। 11:30 बजे तक आ गए थे। अच्छा आप अभी बता रहे थे कि आप हमारी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो एक बार मैं उसके बारे में भी फीडबैक आपसे लूँगा कि वीडियोस में कुछ कमी तो नहीं लगती आपको? नहीं, वीडियोस में कोई भी कमी नहीं है, और इवन जो प्राइस आप बताते भी उसी वही प्राइस ये चार्ज भी करते हैं, और बहुत अच्छा लगा काम करके, बढ़िया लगा काम करा के। अच्छा कोई और अगर भाई जैसे फ्रॉन्क्स वाला हो
तो वीडियो देख रहा है, वो आपका काम देख के यहाँ पर आ सकता है ऐसा सेम काम करवाने के लिए? बिल्कुल आ सकता है, इवन मेरे से कोई रेफरेंस मांगेगा तो मैं तो हमेशा ऑटो वुड को ही रेफरेंस दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर बात करें तो आपका जितना भी काम है कितने बजट में हो गया, आज कितना अमाउंट पे कर दिया? ये एक पाँच के अंदर अंदर पूरा अपना बेस टू टॉप वाला जितना काम होता है ए टू जेड डन हो गया अपनी गाड़ी में। बाकी ठीक है तो ठीक है भाई, इतने कुछ था हमारा कस्टमर रिव्यू आज की गाड़ी का। मिलते हैं आप अगली गाड़ी पर। हमारी फिर से भाई एचआर नंबर गाड़ी का आप देख लो, इंटीरियर अपना 90% भाई डन हो चुका है, दरवाजे गत्ते होते इसके पैक हो चुके हैं। यहाँ पर देख लो इस वाले गत्ते का अपना काम जो डन हो चुका है। यहाँ पर आपको ML लाइट भी इसको देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको वेलकम प्लेट मिल रही है इसमें देखने को, फ्रोंग्स के नाम की विद लाइट मिलती है। उस साइड वाला जो है गत्ता अपना भी खुला हुआ है और आगे के भी जो है अपना ये देखो उस साइड का पैक हो चुका है। और इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ भाई, दिन आया अभी तो थोड़ा अच्छा आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो भाई इंटीरियर का किस कलर में डिज़ाइन हुआ है भाई, ये देखो ये ऊपर का पूरा पैनल, नीचे का पूरा सॉफ्ट टच हुआ है, ये भी सॉफ्ट टच हुआ है अपना, देख लो भाई कितना ही बेटर जो है पहले से लगने वाला है ये। और यहाँ पर देख लो भाई नट वगैरह इसके कसे जा रहे हैं वापस। और एक चीज़ रहती है कि भाई यहाँ पे जितने पेज खुलते हैं ना उतने पेज वापस टाइट करते हैं ये राज भाई। तो सबसे बड़ी बात पता है घबराने की, लोग कमेंट करते हैं आजकल कि गाड़ी खुल जाए उसके बाद वापस वैसी पैक नहीं हो पाती, मतलब खड़खड़ करती है, आवाज़ करती है। तो राज भाई देख लो अपने रिस्पॉन्सिबल है सारे नट वापस कसने के लिए। ये देखो एक एक नट जो है वापस यहाँ पे कसे जाते हैं। तो भाई ये भी एक कला है, बिल्कुल अपना 0-0 काम होता है यहाँ पर। और आपको अंदर से मैं दिखाता हूँ भाई, अंदर से अपना कस के इसमें लग चुकी है जिसमें अपना एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वर्किंग रहने वाला है। यहाँ पर अपनी फ्लोरिंग इस गाड़ी में नहीं हुई, लेकिन फ्लोरिंग भी आपने आगे वाली गाड़ी में हुई, वो कुछ आगे चल के दिखाता हूँ। और कितनी देर लग जाएगी भाई इसको पैक करने में वापसी? बस आधा घंटा। ठीक है भाई, आधे घंटे बाद फिर से मैं आपको इस गाड़ी को दिखाऊंगा फाइनल लुक तैयार होने के बाद। आपको दिखाता हूँ भाई UP 16 वाली गाड़ी को बेस टू टॉप हमने कैसे बनाया है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले तो अपना भाई इसमें हमने बनाई फ्लिप की, इसकी कस्टमाइज फ्लिप की रहती है। ये देखो बटन से इसको हम खोल सकते हैं और वापस इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये सुजुकी का लोगो इसमें आपको मिलना देखने को। और यहाँ पर लॉक अनलॉक आप इसी चाबी से कर सकते हैं। तो भाई अपना फ्लिप की रहती है ऐसे कुछ। मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर जाने से पहले आपको साइड मिरर दिखेगा इसका भाई, बॉडी कलर में ही आपको इसका साइड में मिलने वाला जिसका पेंट पूरा 0-0 मैच करने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पेंट से वाला पेंट मिलाकर देख लो भाई, पूरा बिल्कुल मैचिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको वर्किंग मिलेगा, जैसे ही आप इसको अनलॉक करेंगे ये देखो वर्किंग रहेगा, लॉक करने पर ये फोल्ड भी हो जाएगा और अनलॉक करने पर यह अनफोल्ड हो जाता है। ये देखो तो ये अपना साइड मिरर के फंक्शन रहते हैं जो आप अपने यहाँ पे ऑटो होल्ड पे करवा सकते हैं और लॉक करने पे वापस देखो ये बंद हो जाता है। बाकी अगर बात की जाए तो इसमें हमने यहाँ वाला इंडिकेटर हटा के इस पर वेंट पेस्ट कर दी जो कि अपना जी ड्राइव का रहता है, और यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिलती है जी ड्राइव की। और साथ में अगर बात की जाए भाई साइड प्रोफाइल से इतनी कुछ कार है अपनी, यहाँ पर हमने इसमें क्रोम डोर हैंडल्स भी लगा दिए। और आपके पास इसका एक ऑप्शन और है, अगर किसी भाई को ये क्रोम डोर हैंडल्स ना पसंद आते हो या फिर क्रोम से थोड़ा एलर्जी हो या फिर मेरी तरह थोड़ा सा क्रोम रिस्ट्रिक्ट रहते हो, तो भाई इसकी जगह आप करा सकते हो इसी बॉडी हैंडल को अपना बॉडी कलर के, इसी डोर हैंडल को करा सकते हैं आप बॉडी कलर में। तो वही आपका देख लो भाई आपका चॉइस रहती है, आप ये ब्लैक चलाना चाहते हैं, क्रोम में करना चाहते हैं या फिर इसको बॉडी कलर में करना चाहते हैं, ऐसे साइड में करा है तो वो आपके पास ऑप्शन रहेगा। बाकी आप इसमें 360 डिग्री कैमरा भी लगा सकते हो जो कि यहाँ से आपकी फिटिंग जो है इसमें देखने को मिल जाएगी आपको। बाकी एक बार गाड़ी के अंदर आपको चल के मैं दिखाता हूँ भाई, गाड़ी के अंदर हमने यहाँ पर आप देख लो इसका जो इंटीरियर है फुल ब्लैक हमने कस्टमाइज़ किया है। यहाँ पर आप देखो भाई फिटिंग आपको मिलने वाली है, यहाँ पर ये ब्लैक कर दिया गया है, ये वाला पार्ट भी इसका भी इस कलर में आता है तो ये भी हमने ब्लैक कर दिया है। खुरदुरा सा पार्ट होता है भाई थोड़ा सा, ये हमने इसमें लेदर पेस्टिंग लेदर इस पर हमने चढ़ा दिया ऊपर से, जिससे ये ब्लैक लुक जो है बहुत अच्छी निकाल के दे रहा है हमको। बात की जाए इंटीरियर की तो इंटीरियर में इसमें हमने लगा दिया भाई इसका मारुति जेन्युइन स्टीयरिंग जो कि आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख लो इसमें आपको क्रूज़ के बटन्स मिलेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, कॉल उठाने कॉल काटने के मिलेंगे। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका यही वाला जो सिल्वर फिनिश में आता है, एक आपका ब्लैक में आता है और एक आपका मिलेगा पेडल शिफ्टर वाला जो ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए होता है बेसिकली। तो मैनुअल में उसका कोई यूज़ नहीं है पर आप तब भी लगवा सकते हैं क्योंकि थोड़ा इससे सस्ता पड़ता है वो। बाकी अब बारी इंटीरियर की तो इंटीरियर में सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, इसमें हमने लगा दिया भाई टच स्क्रीन अपना 4:32 रहने वाला है, ये 4:32 इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वर्किंग रहेगा। इसमें मैप्स भी आपको देखो वर्किंग मिलेंगे, जैसे आप इसमें हॉटस्पॉट दोगे तो मैप्स भी आपके इसके वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लो भाई ये देखो इसमें आपको YouTube भी मिलेगा, इसमें बैठ के वीडियो भी देख सकते हैं, अपना सारा काम इसी से आप कर सकते हैं। और आपको बता देता हूँ भाई इसकी वारंटी भी रहती है, ठीक है सिर्फ भाई देख लो कितनी चली हुई है, 108 किलोमीटर चली हुई है। 108 किलोमीटर भी जो कस्टमर जो है मॉडिफिकेशन के लिए इसको ले आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने लगा दिया है जेन्युइन इसका आर्मरेस्ट जो कि इसमें स्टोरेज स्पेस आपको इतनी कुछ मिलने वाली है स्टोरेज। साथ में इसका रियर एसी भी हमने ऑन करा, जो पीछे इसका आर्मरेस्ट में एसी मिलता है ना यहाँ पर, वो भी हमने इसमें ऑन कर दिया। सीट कवर्स का डिज़ाइन आप एक बार यहाँ पर देख लिए भाई,
सीट कवर्स का डिजाइन देखो कितना ही नेक्स्ट लेवल डिजाइन है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक। आज के कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमको ऑल ब्लैक इंटीरियर चाहिए, तो उनके लिए हमने ऑल ब्लैक इंटीरियर डिजाइन कर दिया यहाँ पर डोर्स के साथ साथ, सीट कवर के साथ साथ विद कुशन साइड। इसका हमने इनको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री दी, क्योंकि इतना काम कराने पर हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स यहाँ प्रोवाइड करते ही करते हैं। यहाँ पर आप देख लो भाई, मस्त लग रही है भाई। तो अपने सीट कवर का डिजाइन ऐसा कुछ रहने वाला है। तो और अगर इस पर बात की जाए, इसमें हमने लगा दी है 130 वॉट की एलईडी, जो कि आपके सामने यहाँ पर देख लो भाई इसका रिस्पॉन्स आने वाला है। और एलईडी हमने 130 वॉट की इसमें इनबिल्ट रहती है, जो आपका प्रोजेक्टर इसका इनबिल्ट आता है इसमें सिग्मा मॉडल में, उसी में हमने इसमें एलईडी इंस्टॉल कर दी है। और सिंगल एलईडी है भाई, मतलब एक पेयर रहता है तो उसी से एनएफ रिस्पॉन्स इसमें आपको मिल जाता है। देख लो कहाँ कहाँ तक जो है लाइट जा रही है अपनी। बाकी हो सकता है अगर इसको हम खुली रोड पर लेके जाएँ तो ये और आगे तक जाए, बाकी अभी तक तो ये रिस्पॉन्स बिल्कुल एनएफ लग रहा है, कोई इसमें कमी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर देख लो डिपर ऑन होने पर बढ़िया रिस्पॉन्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों कुछ जरूरी चीज़ों की बात मैं करता हूँ, तो यहाँ पर हम जरूरी चीज़ों में हम गिनेंगे इस मैट्स को जो कि हमने लगा दिए सिंपल प्रो के। इसके जो मैट्स आते हैं भाई जीएफएक्स के, ये ऑल्टरनेटिव है। जीएफएक्स अगर नहीं मिलता तो आप ये वाले मैट लगवा सकते हैं, तो जीएफएक्स भी अपना लेको। देखो दोनों ही आप कह लो कहीं ना कहीं सेम क्वालिटी आपको दोनों की देखने को मिलेंगी, लेकिन जीएफएक्स थोड़ा तब भी एक अपर साइड को आएगा, क्योंकि उसका जो ब्रांड का जो नेम है वो ब्रांड इमेज बनी हुई है बस। बाकी बात यही है आपके सामने, यहाँ पर इसमें हमने लगा दिया फ्लोरिंग भी, जो कि आपको पीछे देखने को मिलेंगी, एक पैटर्न जो रहता है क्रोकोडाइल वाला पैटर्न है भाई ये फ्लोरिंग का। बाकी इसमें JBL स्टेज 2 के कंपोनेंट्स लगाए हैं, जिसका क्वालिटी आपको आपने मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी सुनी होगी, तो इस वीडियो में नहीं सुनाऊंगा। अगर आपने वीडियोस देखी तो आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं वीडियोज़, वहीं से आप क्वालिटीज़ चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे स्पीकर मिलते हैं। बाकी कंपनी देखो ये वाला जो है आपको प्रोवाइड करती है गियर नॉब, इसके साथ में कंपेयर करो एक बारी, ये देखो इसके साथ में कंपेयर करो कंपनी वाले गियर नॉब से, सिग्मा में मिलता है ये, और हमने टॉप मॉडल का गियर नॉब इसमें लगाया। बाकी इसमें हम करेक्टिंग टेल लाइट भी लगा सकते थे, काफ़ी ऑप्शन था हमारे पास मॉडिफिकेशन का, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती है वैसे वैसे हम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दे जाते हैं। और USB भी देख लो इसमें, यहाँ पर USB सॉकेट भी इसमें लगा दिया गया। तो बाकी अपनी गाड़ी भाई अभी कंप्लीट है, इनको कस्टमर्स को बाय बाय करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हमने लगा दी और अपना काम जो है पूरा डन हो चुका है। बाकी आप यहीं से ही बैठे बैठे साइड में अपने फोल्ड और अनफोल्ड यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। ये देखो ये बटन आपको मिलेगा, इसी से आपका जो है कंट्रोल आप कर सकते हैं। और यहीं से एक और चीज़ आपको मिलेगा, ऐसे एडजस्टमेंट है ना लेफ्ट राइट की मिरर की, तो अभी राइट पे सेट करते हैं इसको, राइट पे सेट करके इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो ये देखो भाई, तो ये सारा सीन भाई अपना यहीं से बैठे बैठे आपको करने को मिलेगा, और सारा काम बड़े तरीके से कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पर। आप इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है अपनी, वो है भाई इसकी, ये देखो भाई क्रोम वाले डोर हैंडल्स, जो कि इंटीरियर से एक बहुत ही लग्जरी टच आपको देने वाले हैं। इन भाई का थोड़ा चॉइस था कि मैं भाई मेरे को ऑल ब्लैक रखनी है गाड़ी, तो ब्लैक के लिए इनको इन्होंने ये चीज़ ब्लैक में रखी है। फ्रॉन्क्स की वेलकम प्लेट भी आप देख लो एक बारी, फ्रॉन्क्स की वेलकम प्लेट भी देख लो भाई, आपको एक बार वेलकम प्लेट भी ऐसे कुछ मिलती है इसमें। इसमें दो तरीके की आती है भाई वेलकम प्लेट, एक नेक्सा वाली आती है और एक अपनी आपको मिलेगी फ्रॉन्क्स वाली। नेक्सा वाली में नेक्सा लिखा आएगा, उसमें भी लाइट जलती है, इसमें भी लाइट जलती है, बस ये फर्क ये है कि आफ्टर मार्केट है और वो जेन्युइन आइटम होती है। ठीक है भाई, तो रियर लुक से बात करें तो रियर लुक से इसमें कनेक्टिंग टेल लाइट आप लगवा सकते हैं, जो कि इन भाई ने लगवाई। नीचे आपको मिलेंगे इसमें रिफ्लेक्टर्स, जो कि रिफ्लेक्टर्स आप देख लो भाई ऐसा है कुछ इसका पैटर्न में लेने वाले हैं। इसमें रिफ्लेक्टर्स में काफ़ी पैटर्न अपने पास रहते हैं, तो रिफ्लेक्टर्स में आपको चॉइस में आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में, क्योंकि और गाड़ी जो है उनमें अलग अलग पैटर्न जो हमने लगाए हैं। तो एक बार आप ये वाले रिफ्लेक्टर का स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपको नेक्स्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो उससे आप कंपेयर कर लेना, जो उनसे आपको लगाना हो तो उसमें आपको कंपेयर करने में ईजी हो जाएगा।